जिया, ये तुम क्या कह रही हो? तो और मैं क्या कहूं शेखर, तुमने भी देखा कि इस समय मेरे साथ क्या हुआ। बस अब और मुझ में हिम्मत नहीं है, इसीलिए कह रही हूं कि ये लड़ाई बंद कर दो। तुम किसी की बातों में आके ये सब कह रही हो क्योंकि तुम इस तरह नहीं सोचती थी। शेखर, अब तक जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बस इसी तरह सोच पा रही हूँ। तो क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं उन्हें आजाद छोड़ दूँ, खास करके अब जब उन्होंने I can't do that. मुझे लगता है कि मैंने केस विड्रॉ करके गलती की है। They should be punished. Please, शेखर, please ये लड़ाई बंद कर दो। मैं थक गई हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों तक का सामना नहीं कर पा रही हूँ शेखर। देखो शेखर, अगर हम ये लड़ाई जीत भी गए तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मैंने जो खो दिया है वो मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं, इसीलिए कह रही हूं ये लड़ाई बंद कर दो। मुझे अपनी इस लड़ाई में मत घसीटो। तुझसे भी ना एक छोटा सा काम नहीं होता डब्बो। कितना समझा बुझा के भेजा था तुझे, तू रोक नहीं सकी समर को। और उसे भी क्या जरूरत पड़ी है इन पचड़ों में पड़ने की। मम्मी, मैंने तो उनसे वही कहा था जो आपने मुझे बताया था, लेकिन वो ना उल्टे मुझ पे नाराज हो गए। कहने लगे कि तुमको तो जिया का दुख दर्द बांटने की कोशिश करनी चाहिए। ये समर भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है। अरे जब देख रहा है चाल सही चल रही है तो चलने दे। अभी क्या करूं? अभी तू जिया के पास जा और उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार। नहीं मम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? मम्मी, मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ ना, उसको इस तरह से घबराया हुआ परेशान देख के ना मेरे को भी परेशानी होने लगती है। डब्बो, जिंदगी में ऐसा नहीं होता, कभी कभी दूसरे के आंसुओं का भी फायदा उठाना पड़ता है। अगर तुझसे अकेले नहीं जाया जाता तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। तू उसका दर्द बांटना और मैं बढ़ाऊंगी। कुछ गड़बड़ मत करना डब्बो, जा। जिया, जिया क्या हुआ? आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सच, तुम जैसी प्यार करने वाली बहुएं तो भगवान सबको दे, पर ये वक्त रोने का नहीं है, एक दूसरे के आंसू पोंछने का है। तुम लोग? नमस्कार। तुम लोग यहाँ किस लिए आए? बाबा, वो जिया के बारे में न्यूज में सुना तो। हाँ तो हमने सोचा उससे आके मिल लें। कोई जरूरत नहीं है, इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़े। तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई हो अनन्या, और मेरे मुताबिक इस घर की खुशी और दुख में शामिल होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा। बस अनन्या, बस। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था तुम्हें कि इस घर में तुम वापस कभी नहीं आ सकती हो। अनु, माँ, तुम, मेरी बच्ची।
तुम कब आई हो? नमस्ते बेटा। अरे आपने इन्हें अभी तक बिठाया क्यों नहीं? आओ बेटा, आओ बेटा। नहीं रुक्मी नहीं, ये लोग अब इस घर में नहीं आ सकते। क्यों, क्यों नहीं आ सकते? एक बार मैंने कह दिया कि वो लोग नहीं आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं। चलो अनन्या। ठीक है बाबा, शायद मैंने यहां वापस आके वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन बाबा मैं हूं तो आप ही की बेटी ना। अब जब तक आप खुद मुझे आके नहीं बुलाएंगे मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ये क्या किया आपने? कोई अपने दुश्मन को भी ऐसे ट्रीट नहीं करता। आपने अपनी ही बेटी को ह्यूमिलेट करके यहां से निकाल दिया। अच्छा नहीं किया आपने, ऐसी क्या गलती कर दी उसने? तुम मुझे पूछ रही हो रुक्मिणी? तुम भूल गई कि दुनिया को जवाब देते हुए हम कैसे टूटते थे? अनन्या ने जो कुछ भी किया है ना वो किसी गुनाह से कम नहीं है, और इसके बारे में मेरी राय कभी नहीं बदल सकती है। पापा। अरे हर्ष, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो भी अचानक बिना कुछ खबर किए। पापा वो शालिनी ने फोन किया था। क्या? ठीक कहा पापा हर्ष ने, मैंने ही इन्हें बुलाया है। पर क्यों? सच जानने के लिए। पापा जब मैंने आपसे कहा था कि पांडे अंकल को फोन कीजिए तो आपने नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे वहां जाने से रोका, तो मैंने सोचा कि आरुषि से ही पूछ लूंगी कि आखिर सच क्या है। क्यों आरुषि? पर पापा ऐसी क्या बात हुई है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। पापा आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है? क्यों आरुषि, जिया भाभी के बारे में जो कुछ टीवी और अखबारों पर आ रहा है उसके बारे में तो तुम्हें पता रहा ही होगा ना, फिर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपाई कैसे? हाँ आखिर बात क्या है, क्या हुआ है जिया भाभी को? रहने दो रहने दो, नाटक तो ऐसे करी जैसे कुछ पता ही नहीं हो, और भी कोई राज है तो बता दो मैडम। शालिनी ये कोई तरीका हुआ बात करने का? और मुझसे पूछे बिना कैसे बुला लिया इन लोगों को? कोई जरूरत नहीं अरुषि से कुछ पूछने की, जो कुछ पूछना है मैं पूछूंगा। इज दैट क्लियर? देव। हाय, हाय शेखर, हाउस जी अलाउ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यूज चैनल को मेरा पर्सनल नंबर देने की? ये तुम क्या कर रहे हो? डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हीं ने मीडिया को मेरा नंबर दिया। आजकल किसी का नंबर ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है शेखर, और वैसे भी अगर वो नंबर तुम जैसे मशहूर जर्नलिस्ट का हो तो तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। बातें मत बनाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी हरकत है। तुम जानते हो मेरी बीवी कितने बड़े सदमे से गुजर रही है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? जाओ जाकर अपने परिवार को संभालो, नहीं तो टूटकर बिखर जाएगा। और शेखर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि जिन रेप केसेस को तुम कवर कर रहे थे वो किसी का परिवार नहीं थे क्या? तुम्हें उनका ख्याल कभी नहीं आया? आगे बढ़ने के लिए तुमने उसे भी एक न्यूज की तरह ही ट्रीट किया, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तुमने अच्छा नहीं किया। सच रुक्मिणी जी,
मुझे तो बड़ा बुरा लगा घर की बड़ी बेटी की तरफ भाई साहब का ऐसा बिहेवियर देखकर। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने तो उन्हें अंदर आकर बैठने के लिए भी कहा था, लेकिन इन्होंने बच्चों को अंदर तक नहीं आने दिया। इतने गुस्से में थे कि कुछ कहना भी मुश्किल हो गया था। सच, भाई साहब ने ये ठीक नहीं किया। वो लोग तो अच्छे मकसद से जिया का हालचाल पूछने आए थे, अब इतना नाराज होकर उन्हें घर से भगाने की क्या जरूरत थी? कितना बुरा लगा होगा उन लोगों को। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन मैं क्या करती। सच, जिया के साथ हुए हादसे से हम सब कितने परेशान हैं। अब कोई लाख चुप रहे, पर इस बात की चर्चा बाहर तो होती ही होगी ना। माफ करना रुक्मिणी जी, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अरु की जिंदगी में इसका असर ना हो। अभी अभी शादी हुई है उसकी, मुझे तो इस घर की बड़ी चिंता है, नहीं तो मैं कब की चली जाती। ऐसे कोई बेटी के घर रुकता है क्या? अब पहले देवयानी ने रोक लिया और अब इस घर का जो हाल है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो आप रुक गए। मैं तो आपको इतनी जल्दी जाने भी नहीं देती। एक आप ही तो है जिसके साथ मैं अपने मन की बात कर पाती हूँ, वरना आजकल इनको तो पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो इस घर की बहुत चिंता है, मेरी बेटी की खुशी भी तो इस घर की खुशी में ही है ना। लेकिन भाई साहब ने आज जो नलिन को बेइज्जत किया, अब आप देखिए लड़के गर्म खून के होते हैं। शेखर को ही देख लीजिए, अगर बुरा मानकर नलिन ने कोई गलत कदम उठा लिया, मुझे तो एकदम से अनन्या की फिक्र होने लगी है। खैर, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। जिया भाभी को आखिर हुआ क्या है? अरु, हेलो अरुषी। हेलो जिया भाभी, कैसी हो अरु? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं और आपके बारे में अरे आरुषि, क्यों क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? इसीलिए ना कि जो कुछ भी तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो वो मेरे सामने खुलना जाए, पर सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाए। क्यों आरुषि, am I right? अरुषि, कुछ खाओगे तुम? हर्ष, मैं इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती। आखिर हुआ क्या? शालिनी दीदी, उनके बिहेवियर से मैं तंग आ गई हूँ। या तो हर वक्त सवाल करती रहती है या हर वक्त ताने मारती रहती है। इट्स रियली टू मच। देखो अरुषि, मैं मानता हूँ कि शालिनी का बिहेवियर थोड़ा ऐसा जरूर है, मगर तुम्हें उनके बिहेवियर को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है हर्ष, शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे। अरुषि, हम ये सभी बातें बाद में भी कर सकते हैं ना। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जिया भाभी से मिलो। तुम तैयार हो जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं हर्ष, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जाना चाहूंगी। लेकिन अरुषि। हर्ष, इस वक्त जो घर का माहौल है उसमें मेरा अकेले जाना ठीक होगा। ओके, जैसा तुम ठीक समझो। दादाजी, बेटा आ गई। खत्म हो गया तुम्हारा समर कैंप? हाँ, बहुत मजा आया। दादाजी, मैं दिया दादी से मिलकर आती हूँ। अच्छा अच्छा। पापा। बेटा, कब आए तुम लोग?
बस आज ही पापा। लेकिन इस तरह अचानक, तुम लोग तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना, और हर्ष नहीं आया साथ में? जिया भाभी के साथ हुए हादसे की वजह से हमें वापस बुला लिया गया बाबा, और यहाँ आते ही मुझसे इतने सारे सवाल पूछे गए जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। हरू, तुम बेटा बिना बताए? अरे मेरी बिटिया, कैसी है तू? हाँ, इतनी जल्दी वापस आ गए तुम लोग, और वो भी बिना बताए। हाँ, तुम अकेली आई क्या बेटा? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? माँ, मैं अपने कमरे में जाऊं। हाँ बेटा। अरु इस तरह अकेली घर आ गई, तिवारी जी के यहां से कोई नहीं आया, ना ही उन्होंने फोन ही किया। पता नहीं जिया के इस खबर से और क्या क्या असर होगा। तुम्हारे बात पर जिया को क्यों खोजती हो? उसने थोड़ी छपवाई है वो खबर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उसकी इतनी तरफदारी करते क्यों हैं? उसकी वजह से सारी मुसीबतें आई हैं और आप हैं कि? देखिए, अरु की जिंदगी में अगर जिया की वजह से कोई भी असर हुआ ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जिया चाची। सुरभि, तुम कब आई? अभी, और आते ही अपनी फेवरेट हीरोइन से मिलने आ गई। चाची, आप रो रही थी? चाची, आप क्यों रो रही थी? अरे चाची, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता दो, ये प्रॉब्लम्स है ना, मैं दो मिनट में दूर कर दूंगी। अब तुम आ गई हो ना बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, अब मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? ठीक है, तो आप मेरे साथ बाहर खेलने चलोगी? प्लीज। सुरभि। जिया, देखो बेटा, तुम कमरे के बाहर कहीं भी नहीं जा रही हो, सुरभि के साथ चली जाओ, तुम्हारा जी लगा रहेगा। सुरभि, जिया चाची तुम्हारे साथ बाहर खेलने जरूर जाएगी। यस। लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तुम जिया चाची को बिल्कुल तंग नहीं करोगी। प्रॉमिस। जाओ, आप चलो चलो जाओ। चलो ना। अच्छा लग रहा है ना जिया को इतने दिनों के बाद हंसते देखना? घर में ऐसा माहौल है, दोनों बेटियां इतनी दुखी हैं, पर जिया को देख के लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो। जिया बेटा, जी बाबा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं पी, एक कप चाय मिलेगी? अभी रही। दादाजी चलिए ना। अरे कहाँ बेटा, खेलने और कहाँ? अरे नहीं बेटे, अब वो दौड़ वाले खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सवाल जवाब वाले खेल खेलते हैं। तुम्हारे हर सही जवाब पर तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। तो बेटा, अरुबा जिस जगह गई थी उस जगह का नाम क्या है? गोवा। करेक्ट। और गोवा का कैपिटल क्या है? दादाजी, आप बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है। चाय। सुरभि, तुम्हारा दूध वहां रखा है, जाओ पी लो।